This is the Amresh Neet 12 of Amresh Harsh Academy. Batch is the Bhavijot. आज हम लोग अभी रिवीजन करेंगे. Most important formula list chapter wise. And you know this okay. is the lecture number one. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss topic and subtopics are most important formula list. जो main formula है ऐसे तो बहुत है लेकिन जो रैंडमली बच्चों को लर्न होना चाहिए वो सब मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज. ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है. इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी. यस और नो? हाँ जी सर. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस. यस और नो? हाँ जी सर. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स फोर्स लॉ. F इज इक्वल कूलम्स लॉ. तो इसका फॉर्मूला सिर्फ मैं लिख रहा हूँ. वन अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K के फॉर्म में भी लिख सकते हो. यू नो स्मॉल K इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 10 रेज़ टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर. ये सब किस में था? SI में और AR में था. जब अगर हम लोग मीडियम की बात करेंगे फोर्स इन मीडियम तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 10 रे टू पावर 9 q2 अपॉन kr स्क्वायर वेयर k इज द एप्सिलॉन r डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी. यू नो अब k इज इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम. इसके बाद तीन तरह के डेंसिटी होते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ. सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम. चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्लियर है? हाँ जी सर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है. इसकी जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब. यहां तक भूलना नहीं है. हाँ सर. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फिनिश हो गया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड. बार 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 इसको रिवाइज करते रहिएगा बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके सर. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट. यहां से एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इनटू E. क्यू नॉट E. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज. मैं इसको लिख देता हूँ ड्यू टू सिंगल चार्ज. मैं कम लिखूंगा. ठीक है. सिंगल चार्ज क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. यस और नो? यस सर. अब ये सिंगल चार्ज के कारण मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है. इसके बाद हम लोग डायपोल डिस्कस करेंगे. तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A. यस और नो? यस सर. इसके बाद E एक्सियल इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. अब E एक्सियल और E इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 इज इक्वल टू ट्वाइस. यस और नो? यस सर. नाउ E at any point is equal to P upon 4 pi epsilon naught R cube. तो अच्छे से लर्न होना चाहिए. √3 cos theta plus 1. इसकी डायरेक्शन tan alpha is equal to half tan theta. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क. मैं एकदम छोटा छोटा टॉपिक लिख रहा हूँ जिससे कि आपको लर्निंग में भी दिक्कत ना हो. ब्रेन जो है छोटी चीजें बहुत जल्दी लर्न करता है. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ पी क्रॉस वेक्टर ऑफ पी क्रॉस वेक्टर ऑफ ई इज इक्वल टू पीई साइन थीटा एन कैप. जब मैं मैग्नीट्यूडली पूछूंगा तो आप बोलेंगे पीई साइन थीटा.
वेक्टर में आप जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अगर मैथमेटिकल टूल पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े हैं तो सर आपको भेज दिया, भेज दिया नहीं, ठीक है। वेक्टर ऑफ ए डॉट सर मैंने मैथमेटिकल टूल करके भेज दिया, रिप्लाई जब करेंगे उसी से मुझे पता लग जाएगा आपने किया कैसा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू? नहीं सर। अब इसके एक स्पेशल कंडीशन भी था, ठीक है, जब थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, देन यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ पी डॉट वेक्टर ऑफ ई। क्लियर है? इस चैप्टर में इतना छोड़ के कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो आपको लर्न मोस्टली रखने हैं। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड गॉस लॉ, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज वी बाय क्यू, सो W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, यस और नो? पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप ऑफ द पोटेंशियल, यस और नो? यस सर। यहां तक हो चुका है। अब v एक्सियल इज इक्वल टू क्या था, याद है v एक्सियल का? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। v इक्वेटोरियल क्या था? जीरो। v एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यस और नो? यस सर। एकदम कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे बेटा। नेक्स्ट वन इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसमें? एयर में हो रहा है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ये किसमें बात कर रहे हैं? तो मीडियम की बातें कर रहे हैं, यस और नो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम system is equal to, you know, q1 q2 upon 4 pi epsilon not r, yes or no? Yes sir. Electric potential energy, potential energy of due to external electric field, due to external electric field, field. तो क्या लिखोगे? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। देख रहे हो मुझे कैसे याद है? उस तरह से याद होना चाहिए बेटा। Q1 into V position vector of R1 प्लस, you know, Q2 into V position vector of R2 प्लस ये वाला एनर्जी यहाँ पे जोड़ दो, Q1 Q2 upon 4 pi epsilon not R, yes or no? Yes sir। यहाँ तक क्या दिक्कत है बताइए मुझे पहले, ठीक है सर, समझ गया। तक क्लियर सारे लर्न हो गए? इलेक्ट्रिक सर सम सारे याद हो, मतलब लर्न अभी तो हो जाएंगे, मतलब अच्छा देख देख के रिवाइज का एक बार देख लीजिएगा, फिर से सारे लर्न हो जाएंगे। हाँ जी सर, मैं एक बार थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड,
ज्योटो चार्ज्ड रॉड इक्वल टू, वो क्या फॉर्मूला होता था याद है, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर याद है, एक रॉड था, क्यू चार्ज था, लैम्डा चार्ज डेंसिटी थी, तो इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शेल, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग चार्ज्ड स्फीयर। बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, कहते हैं सर चार्ज स्फीयर क्वेश्चन में आया था, शेल नहीं आया था। दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है बाबू, ई आउटसाइड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन स्क्वायर। ई सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो, ठीक है, इनसाइड क्या होता है, जीरो, यस और नो। इसका ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ पक्का आता है पेपर में, देख लीजिए, इनसाइड में जीरो और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ये कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग शेल, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या था याद है, आर सिग्मा अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके लिए क्या ग्राफ होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये मैक्सिमम, फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस और नो? यस सर। अब अगर आपके पास एक क्या है, प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लेन, ये बोल सकते हैं, अगर एक चार्ज प्लेन है तो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? यस सर। ये सिंगल चार्ज के लिए है, और ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन, ये थिन है तब ऐसा था, अगर थिक होता, फॉर थिक, तब क्या लिखे, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। और दो अगर पैरेलल है, ये एक है और ये एक है, दोनों पैरेलल अगर है, तब क्या होगा, बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस साइड में जीरो, इस साइड में जीरो, ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, समझे मेरी बात? हाँ जी सर। ई एट मिड में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा मैंने, जिसमें लास्ट मैंने लास्ट पेपर में गुल खिलाए थे, उसका एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा है, ठीक है, फिर से एक बार घर में रिवाइज कर लेना बाबू उसको, ठीक है? हाँ सर, ये वाला याद कर लूँगा। नेक्स्ट, अब न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, इसमें मैं एक दो प्रोसेस भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, बाहर के फील्ड से, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचने को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फॉर्मूला बन गया, क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस क्या होता है, फेराड, यस और नो? यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैपेसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल, ये कैसा है, आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल या कंडक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं, तब इसके लिए जो कैपेसिटी होगी वो क्या होती थी याद है, 4 पाई एप्सिलॉन आर, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, लेकिन अगर यही मीडियम है तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, ठीक है, किसी अर्थ का जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 711 माइक्रोफेराड, यस और नो? यस सर। नाउ अब
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, याद है क्या? नहीं सर। बहुत अच्छे, महान है सर। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मीडियम के लिए बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी इक्वल टू के इनटू सी नॉट। यस और नो? यस सर। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी नॉट। ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटी की कैपेसिटी, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, याद है फॉर्मूला? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इनटू आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। मैं यहाँ पे फिगर भी बना देता हूँ, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर बना दिया मैंने। यस और नो? यस सर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होगा? C इज इक्वल टू बताइए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग आर बी अपॉन आर ए। ठीक है, ये सिलेंडर है आपके पास, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, बाहर अंदर वाले की रेडियस आर ए है, बाहर वाले की आर बी है, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग आर बी अपॉन आर ए। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इन सीरीज क्या फॉर्मूला होता है, याद है? 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू अपॉन सी थ्री। अगर दो कैपेसिटर रहे तब क्या होता है, 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। यस और नो? यस सर। यहां तक क्या दिक्कत है बताइए? ठीक है सर, फिर से बता देता हूं। सीरीज में चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, चार्ज कांस्टेंट रहता है या पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है? चार्ज और करंट कांस्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। याद कर लिया? सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इन अ कैपेसिटर, चाहे वो कैपेसिटर किसी भी तरह का हो, किसी भी शेप का हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। यस और नो? यस सर। मैंने एक चीज बताया भी था कि एनर्जी स्पेंड जब होता है, अगर तुम अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो एनर्जी स्पेंड, तुम्हारे घर की एनर्जी कितनी स्पेंड होती है? क्यू वी होती है। लेकिन एनर्जी स्टोर कितनी होती है? वो आधी हो जाती है, हाफ क्यू वी। हाफ क्यू वी। आधा कहाँ चला जाता है? तो हीट फॉर्म में और ई एम आर के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में उड़ जाती है। घर में जब भी आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो समझो कि अगर एक यूनिट तुम्हारा बिजली बिल गया, ठीक है, तो तुम्हारे मोबाइल ने आधा यूनिट का ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, बाकी सब गर्म होके चला गया, उड़ गया पूरा। नॉट द बर्ड वाला उड़ना नहीं, बर्ड वाला उड़ा नहीं, वो नॉर्मल उड़ गया। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? ये वैसे ईएमआर रेडिएशन हार्मफुल होती है? बहुत होती है, इसलिए फोन को चार्ज करके कभी भी पॉकेट में अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। चलिए, अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्या बोलो सर? चार्ज करते टाइम नहीं रखना चाहिए आसपास? ऑब्वियसली नहीं, अगर अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन जो है ब्रेन को डैमेज करता है और बॉडी को डैमेज करता है, लेकिन ये जरूरत है इसलिए इसको रखते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम,
यस और नो? यस सर। उस दिन इसी फॉर्मूला से मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट, जब दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी टू वी टू प्लस सी टू सी टू को कहते हैं क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। यस और नो? यस। लॉस एनर्जी कितनी होती है अगर दो कैपेसिटर को आप ज्वाइन कर देते हैं? तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी वन इंटू सी टू वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी वन प्लस सी टू। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ई वन माइनस ई टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है। क्लियर है? ओके। यस सर। यहाँ तक क्या दिक्कत है बताइए मुझे। ठीक है सर, समझ गया। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, विद अ कंडक्टिंग स्लैब, इसका मतलब समझा कि आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में आपने कंडक्टिंग स्लैब को घुसा दिया है, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या उसकी कैपेसिटी में चेंज आएगा क्या? तो आंसर है ऑब्वियसली आएगा, इसका डेरिवेशन कराया आएगा। और ये डेरिवेशन सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा। सी इक्वल टू सी नॉट इंटू वन माइनस टी अपॉन डी, दिस इज योर फॉर्मूला। क्लियर है? इसी को शॉर्ट में भी लिख सकते हो इसको, इसका एक दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये लेकिन कम बोलना है, ये मेनली बोलना है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब, ठीक है। जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके लिए कैपेसिटी कितनी होगी? तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन के। क्लियर है? हाँ जी सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश एज वेल एज दिस यूनिट इज टोटली फिनिश, ठीक है। पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में मेन मेन फॉर्मूला आपको इतना ही लर्न करना है। ओके सर। नाउ दिस इज द सेकेंड यूनिट विच इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके सारे फॉर्मूले जितने हम लोगों ने डराइव किए हैं वो सारा मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक छोटा चीज बताया था, उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको स्मॉल ई से या बहुत बार ऐसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ऑफ डीएस। यस और नो? यस सर। अब इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इसको हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। इसी को कूलम्ब पर सेकेंड भी कहा जाता है। यस और नो? अब देखो, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यस और नो? ओके। यस सर। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया। अगर मुझे डी क्यू निकालना है, मैंने चार्ज निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई। जब भी किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो ड्रिप करता है, मतलब उसको धक्का लगाते हैं तभी वो फ्लो करता है, उसको कहते हैं ड्रिप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिप वेलोसिटी। ड्रिप वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ई टाउ अपॉन एम। ओके। याद रखने का तरीका थोड़ा मजाकिया बना दिया था कि जब ताऊ को देखो तो दांत निकाल के मना ये कर दो, ई ताऊ अपॉन एम, ठीक है। मैग्नीट्यूडली इसको कैसे ले सकते हैं?
मैग्नीट्यूडली इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम लाइक दिस एम। फिर मैंने रिलेशन बताया था करंट का रिलेशन आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। क्या बोलना है जब मैं पूछूंगा कि करंट बताइए इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपका आंसर क्या होगा? ए एन ई वी डी। आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। मैं बोलूंगा और बोलो, तब बोलोगे ए एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम, मतलब वी डी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं ऐसे ही पूछूंगा, जस्ट ऐसे पूछता हूँ बच्चे को कि करंट का बताइए, तो बच्चे बोलते हैं सर क्यू अपॉन टी। मैं बोलता हूँ करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में बताओ, तो आपको बोलना ए एन ई वी डी। मैं बोलूंगा और बताओ, तो ए एन ई, ये नहीं बोलना है और बताओ, बोलते अच्छा सर और बताओ, अच्छा सर, ये नहीं बोलना है, बोलना है ए एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। क्लियर है? यस सर। अब मोबिलिटी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है किसी भी मेटल में, तो उस समय जो मोबिलिटी होता है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं क्यू टाउ अपॉन एम। मोबिलिटी दो तरह के होते हैं, म्यू ई इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम ई, और म्यू एच जिसको प्रोटॉन कहते हैं वो तो होल्स होता है एक्चुअल में, तो ई टाउ एच अपॉन एम एच। क्लियर है? टोटल करंट जब भी होता है वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल्स करंट होते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस आई एच, आई प्लस आई एच कॉल्ड ओम्स लॉ। मैंने बताया था ओम्स लॉ में वी इज इक्वल टू आई आर, यस और नो? अगर एक्स एक्सिस में वी रख दो, वाई एक्सिस में करंट रख दो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जो रेजिस्टेंस बताता है, यस और नो? रेजिस्टेंस का जो है माइक्रोस्कोपिकली फॉर्मूला होता है, अगर मैं पूछूंगा रेजिस्टेंस बताओ तो तुम बोलोगे वी अपॉन आई, ये हर बार तुम यही बोलते हो, लेकिन ये वाला नहीं बोल पाते हो। ये बोलना है, मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस का और फॉर्मूला बताइए या माइक्रोस्कोपिकली फॉर्मूला बताइए, तब आप बोलेंगे एम एल ए एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर है मेरी बातें? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है? दो दिन आपको डांट इसके कारण मिली थी, फिर से बताइएगा। मैं पूछूंगा कि ओम्स लॉ बताओ, तुम बोलोगे वी इक्वल टू आई आर, अरे तुम लोगों को डांटता हूं तो थोड़ी अच्छा लगता है यार, ठीक है? लेकिन क्या करें, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, तुम बोलोगे सर वी अपॉन आई, घुमा के बोल दोगे। मैं बोलूंगा और बताओ या माइक्रोस्कोपिकली बताओ, तो क्या बोलोगे? एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ, यस और नो? नेक्स्ट वाले को कहते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, इसी को रेसिस्टिविटी के टर्म में सिखा जाता है। रेसिस्टिविटी के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आपको कि आर इज इक्वल टू, जब जो बेवकूफ होते हैं ना उसको जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, रेजिस्टेंस आता है, तो वो रोता है, और ऐसे लड़के को हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? रोले भाई, कोई नहीं, रो एल अपॉन ए, रोले, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। Where rho is equal to, you know, m upon n e square tau. इसका मतलब है कि rho is inversely proportional to the n, और rho is inversely proportional to the tau. ठीक है? एक सबसे important line, जिसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, कि resistance is a property of object. Okay. Property of object. Object. एंड रेसिस्टिविटीज, देख रहे हो मुझे कितने याद आते जा रहे हैं, एक साथ में सारे फॉर्मुला का लिस्ट बता रहा हूं। रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है? आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है? सालों बाद मेहनत की है भाई, सालों से बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है? उनको नहीं एक्सपीरियंस इतना जो है। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई अपॉन ए, इसको क्या कहते हैं बेटा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अगर मैं पूछूंगा कि जे का और फॉर्मूला बताओ, तो ए और आई वाला से कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एन ई वी डी। या इसी तरह से करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ जे डॉट डी एस, यस और नो? यस। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बताइए, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो आप क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी जे इक्वल टू सिग्मा इनटू ई,
यस और नो? यस डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा 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 क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन रेसिस्टिविटी, वन अपॉन रो। यस और नो? यस सर। अब रेजिस्टेंस है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इनटू टी। ठीक है, अल्फा जो होती है ये पॉजिटिव होता है किसके लिए? मेटल के लिए। अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है किसके लिए? इंसुलेटर के लिए एंड सेमीकंडक्टर के लिए। यस और नो? यस सर। नाउ यू नो इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इसी फॉर्मूला को रेसिस्टिविटी के टर्म्स में कैसे याद करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी यू नो यहाँ पे अल्फा आर बोल देंगे, अल्फा आर इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इनटू टी। क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, सेकेंड वाले को कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करता है। तो क्या लिखेंगे इसको? डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करता है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से ग्राफ नहीं होता है यहाँ पे, या तो ऐसे हो जाता है या यहाँ इस तरह से ग्राफ हो जाता है अगर V और I के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वन उसको कहते हैं थर्मिस्टर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स भी बताता जा रहा हूं मैं। थर्मिस्टर्स किसको बोलते हैं? ये रेसिस्टिविटी चेंज करता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्विकली चेंज रेजिस्टेंस, तुरंत ये रेजिस्टेंस चेंज करता है। क्लियर है? तो थर्मिस्टर्स कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं? ठीक है, सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है, जीरो, उसी को हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कलर कोड मैंने बताया था, उसका सिर्फ नाम याद रखिएगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यस और नो? यस सर। बताया था इसमें पहले ही जो नंबर है, दो नंबर बताता है, फिर उसके बाद पावर बताता है, फिर बाद में टॉलरेंस बताता है, प्लस माइनस 10%। अब नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? R1 plus R2 plus C। जब सीरीज में होता है तो करंट क्या होते हैं? करंट इज कांस्टेंट। यस सर। और जब पैरेलल में होता है तो one upon R2 plus one upon R2। कैपेसिटर का उल्टा होता है, इसमें करंट कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। V is constant is here। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यहां तक सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे करंट निकालना, अच्छा चलो वो तो न्यूमेरिकल में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि बैटरी को किस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सेल है तो सेल को आप किस तरह से अरेंज करते हैं? तो सेल भी 3 टाइप से अरेंज होता है, सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? ठीक है, ऑफ अ सेल ये स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ये जो दो कैथोड और एनोड है उसके बीच का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये किस किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इंसर्टेड,
इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर जो लिक्विड्स होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और इस वाले को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, देखो जब भी कोई सेल खरीद के लाते हो तुम या नया लेते हो, ठीक है, तो उस समय जो पोटेंशियल होती है उसको ईएमएफ कहते हैं, जब यूज कर रहे होते हैं तो उस समय जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल होता है, यस और नो? तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है, ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ठीक है, सर्किट में। तो मतलब वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस आई आर, ठीक है, फिर इसी से एक स्मॉल आर का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ई माइनस वी, यहाँ पे ई जो है वो ईएमएफ है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, यस और नो? ठीक है, ठीक है ना। yes, चार्ज हम लोग कर रहे होते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, उस समय में वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस आई आर, ठीक है, ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल उस समय ईएमएफ से क्या होते हैं, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुपिंग इन सेल्स, ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, ग्रुपिंग इन सेल्स। अब जब सेल को सीरीज में लगाते हैं हम लोग, ठीक है, तब करंट कितना होता है, तो व्हेन सेल्स आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, सीरीज में होता है, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन कैपिटल आर प्लस एन आर, हाँ क्लियर है? यस सर। और सेकेंड नंबर, व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल, सेल्स आर इन पैरेलल, जब बहुत सारे सेल्स हैं उसको अपने पैरेलल में ज्वाइन करके रख दिया है, तब करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, जिसको सॉल्व कर देंगे तो एम ई अपॉन, ठीक है, एम आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद जब मिक्स्ड ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, थर्ड वन, मिक्स्ड ग्रुपिंग, व्हेन सेल्स आर इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, जब सेल्स को किसमें करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग में हम लोग करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग, अब करंट इज इक्वल टू क्या होता है, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ठीक है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा, कि कब करंट मैक्सिमम देता है, व्हेन करंट इज मैक्सिमम, व्हेन करंट इज मैक्सिमम, कब ऐसा होता है, जब एम आर इक्वल टू एन आर हो जाता है तब, इसका मतलब है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम हो जाता है, उस समय जो है सबसे ज्यादा करंट हमें मिलता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किसको कहते हैं, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट या पोटेंशियल मेजर करता है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इसी को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, यस और नो? जितना इसमें करंट पास कराएंगे उतना इसमें एंगल मूव होगा, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, यस और नो? ओके, यस सर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट पास करने पे उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होते रहता है, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी को सीएस से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो दिस इज द थीटा अपॉन आई, दिस इज द फॉर्मूला, यू नो दिस वन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। नाउ व्हाट इज अमीटर, अमीटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है, ये क्या करता है, करंट मेजर, करंट मेजर, और इसको हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, सीरीज में इसको लगाते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है, तो गैल्वेनोमीटर एक ले लो और उसके पैरेलल में यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दीजिए, उसको शंट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और शंट की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और शंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस अपॉन आई माइनस आई जी, ये डेरिवेशन भी मैंने कराया था आपको, ठीक है। तो शंट जो है लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, मैं लिख देता हूं, एस इज लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जितनी कम से कम वैल्यू हो सकती है, और जानते हैं एक अच्छा तरीका यही है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है, अमीटर बन जाएगा। गैल्वेनो वोल्ट मीटर किसको कहते हैं,
एक ऐसा शंट की आइडियल वैल्यू जीरो हुई ना। हाँ यस, आइडियल वैल्यू ये ऐसा होता है जो वोल्टेज मेजर करता है, इसको हमेशा वोल्टेज मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन ये बनता तो गैल्वेनोमीटर से ही है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर, आर मीन्स हाई रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। लेकिन जब वो गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हाई रेजिस्टेंस होती है, और हो सकता है तो इन्फिनिटी अगर इसकी वैल्यू हो तो ज्यादा एक्यूरेट मेजर करके देगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, हाँ जी सर। नाउ करंट सेंसिटिविटी के बाद हम लोग इसी तरह से जानेंगे, इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, यू नो वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, इसको वी एस से डिनोट करते हैं। इसमें कितना एंगल में डिफरेंस आएगा जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ना थीटा अपॉन वी जो है वो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? यस सर। नाउ अब इसी का नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यू नो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट वाले को किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहते हैं, इसी को फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट अ जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट कितना होता है बाबू? जीरो होता है। जीरो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, यस और नो? यस सर। अगर किसी जंक्शन, सर एक चीज थी बोलो। सर करंट के साथ ना एक एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ भी आ रहा है उसमें। अच्छा, वो तो मैग्नेटिज्म उसमें है, मैग्नेटिज्म में है, वो बात करेंगे हम लोग। हाँ, सेकेंड लॉ क्या है कि समेशन ऑफ ई माइनस समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, केवीएल। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने इसका फिगर भी बना के दिखाया था कि अगर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से एक फोर्थ रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक फिफ्थ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है, चार रेजिस्टेंस है, और ये जो बीच में होता है ये गैल्वेनोमीटर होता है। इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, देन गैल्वेनोमेट्रिक करंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट पास ही नहीं होगा, ठीक है। जब भी चार रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस का रेशियो दूसरे दो रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, तो बीच में जो आएगा गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट पास नहीं होगा, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है इसको। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने बताए थे, पर सिंपल सी बात है कि जितना जितना करंट बढ़ाओगे उतना उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। यहाँ पे इस तरह का, इसके लिए मैंने कुछ और ये बताया था कि V इक्वल टू के एल, ठीक है, एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू, ये सब सारे फॉर्मूले एप्लीकेशन उसमें यूज होते हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी यूनिट में थर्ड चैप्टर जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको मैं स्पेशल पेज में करा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जूल्स हीटिंग लॉ, मतलब जब किसी वायर में करंट पास कराते हैं तो हीट अप हो जाता है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो 1 होता है, तो H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया बोलो, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम। अब इसी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, H इज इक्वल टू VIT, क्योंकि I इनटू R इक्वल टू V होता है इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू I स्क्वायर RT is equal to v square t upon r, क्योंकि i के जगह में v upon r put कर दो। ये सब सब जो है वो जूल में होते हैं, लेकिन अगर कैलोरी में है तो 1 कैलोरी is equal to 4.18 जूल होता है, मतलब approximately 4.2 जूल होता है, तो इसी से डिवाइड कर दीजिए, सारा फॉर्मूला जो है इस तरह आ जाएगा, i square rt upon 4.18 कैलोरी, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में
ये मेरा फंडा है, हर्ष फंडा फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ये बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ तक कि टीचर सबको भी दिक्कत होती है कि सर कैसे पता आपको, सपने आ रहे हैं क्या? तो मैं बच्चों को बोलता हूँ या टीचर को भी बोलता हूँ, देखो जी W इज इक्वल टू वी आई टी लगाओ, कब? जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं, किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी फॉर्म में, एनी अदर फॉर्म, किसी अदर फॉर्म में करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाइए। लेकिन हाँ, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगाइए, कब? कन्वर्जन कर रहे हैं, कब? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी ओमिक रजिस्टर में। एक्सपीरियंस का यही फायदा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन कर करके सॉल्व नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लाना लाया, डायरेक्ट मैंने बता दिया कि ऐसा ही होता है। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, टी टी को कट कर दीजिए, वी आई, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है पावर का? पावर का यूनिट होता है किलो वॉट, और क्या होता है? मेगा वॉट, ठीक है। वन मेगा वॉट इज इक्वल टू 10^6 वॉट होता है, ठीक है। वन मेगा वॉट इक्वल टू 10^6 वॉट। वन एच पी हॉर्स पावर 746 वॉट होता है। पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला वी इंटू आई, वी को आई बैटरी खत्म हो गई है इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आवर। हाँ क्या बोले सर? एक मिनट, में रिजॉइन कर रहा हूँ, इसकी बैटरी डेड होने वाली है, स्विच ऑफ हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको वर्क डन कहते हैं, विच इज इक्वल टू वी आई टी, और पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है? यू नो यूनिट इज जूल, जूल यूनिट क्या होती है? जूल। अब अगर कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया? वी आई टी इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब हम यूनिट लेते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो यूनिट घर में होता है वो होता है 1 kWh, किलो वॉट आर। इसको क्या बोलते हैं? किलो वॉट आर, ठीक है। तो 1 kWh मतलब 1 kilo में कितना होता है? 1000 watt, ठीक है। और 1 hour में कितना सेकंड होता है? 3600 3600। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.6 × 1, 2, 3, 4, 5, 6 10^6 जूल। तो 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। अगर घर में तुम एक यूनिट अगर बिजली बिल कंज्यूम करते हो तो समझो इतना एनर्जी तुम यूज कर लेते हो, 3.6 × 10^6 जूल जो है आप यूज कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद कुछ चीजें बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होते हैं, तो ये सब मैंने थ्योरी में बताया था आपको। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रॉड, ये सब में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसके कारण कि ज्यादा ये गर्म हो जाता है, ठीक है, हीटर वायर जो होता है। फ्यूज क्या होता है? कि हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हाई रेसिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एफिशिएंसी को ईटा कहते हैं। मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपने लिया, वो कितना एफिशिएंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर। यू नो यू कैन से दैट ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, अगर वी है या आउटपुट पोटेंशियल वी है या वी इंटू आई है, इनपुट पावर ई इंटू आई, आई आई कट के आप वी अपॉन ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी मशीन का 100% एफिशिएंसी कभी नहीं होती है, वो हमेशा कम होती है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो नाउ आपके दो यूनिट कंप्लीटली फिनिश हो गए, इलेक्ट्रोस्टेट्स एज वेल एज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग क्लास में फिर हम लोग दूसरे यूनिट को डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? ओके टिल देन बाय, टिल देन बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।